दोस्तों, अगर आप एक न्यू यूट्यूब क्रिएटर्स हैं और आपके चैनल पर लगभग आपने बहुत ही वीडियो अपलोड कर चुके होंगे और दोस्तों इतना वीडियो अपलोड करने के बाद अगर आपके वीडियो पर व्यूज़ नहीं आता है तो आपको क्या करना है। दोस्तों देखिए, सीखने की कोई एंड नहीं होता है, यानी कि दोस्तों आपके जो वीडियो हैं, वीडियो अपलोड करने में आपको कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए दोस्तों आपके वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहा है। दोस्तों आप यूट्यूब पर बहुत ऐसे वीडियो देखते होंगे कि यूट्यूब पर एक मोबाइल फ़ोन से सही से वीडियो कैसे अपलोड करना है, लेकिन दोस्तों देखिए, सीखने का कोई एंड नहीं होता है। दोस्तों आप जितना जानते हो उससे कोई गुना ज़्यादा आपको सीखने की बाकी है, इसीलिए दोस्तों मैं आपको आज सही तरीके से कैसे वीडियो अपलोड करना है। दोस्तों आप YouTube पर जिस तरह देखते होंगे कि इसी तरह सही तरीके से YouTube पर वीडियो अपलोड किया जाता है, लेकिन दोस्तों उससे मैं कुछ अलग तरीके से दिखाने वाला हूँ, जिस तरह से अगर आप वीडियो अपलोड करोगे तो डेफिनेटली आपके वीडियो पर व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल इसीलिए ओपन किया है कि आप लोगों को खास करके जो स्वच्छ बात होता है, स्वच्छ बात आप लोगों के साथ प्रोवाइड करना है। दोस्तों देखिए, मेरा और एक चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब के ऊपर मेरा 3 साल की एक्सपीरियंस है और इस चैनल से मेरा अर्निंग भी हो रहा है, जो चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मेरे पास ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन नहीं है, मेरे पास एक ही मोबाइल फ़ोन है और उसी मोबाइल फ़ोन से मैं वीडियो शूट करता हूँ और उसी मोबाइल फ़ोन से मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। और दोस्तों मेरे पास एक लैपटॉप है, क्योंकि दोस्तों मैं लैपटॉप से वीडियो कैसे अपलोड करना है मैं नहीं दिखाऊंगा, ताकि दोस्तों आजकल ज़्यादातर लोग मोबाइल फ़ोन से वीडियो अपलोड करते हैं, इसलिए दोस्तों मोबाइल फ़ोन से सही तरीके से कैसे वीडियो अपलोड कर सकते हैं। वीडियो अपलोड करने के बाद दोस्तों डेफिनेटली आपके वीडियो पर व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर इसी तरह आपके चैनल पर आप वीडियो अपलोड करोगे तो डेफिनेटली आपके चैनल पर व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों मैं स्क्रीन पर स्क्रीन रिकॉर्ड लगा के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों मेरे पास और मोबाइल फ़ोन नहीं है और दोस्तों मैं इसी मोबाइल फ़ोन से स्क्रीन रिकॉर्ड के माध्यम से आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं कि एक मोबाइल फ़ोन से कैसे आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप सच में यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हो तो दोस्तों मैं पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को पहले से एंड तक देखना है। दोस्तों मैं इतना तो आपको कह सकता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद अगर आपके चैनल पर आप वीडियो अपलोड करोगे तो दोस्तों 100 में से 99% उम्मीद है कि आपके वीडियो पर व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों और मेरे पास कोई भाषा नहीं कि आप लोगों को मैं समझा सकूं कि मेरा वीडियो देखने के बाद आपके वीडियो पर व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों एक नया चैनल पर वीडियो कैसे अपलोड करना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की माध्यम से आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं कि कैसे सही तरीके से वीडियो अपलोड किया जाता है। दोस्तों वीडियो अपलोड करने के लिए सबसे पहले यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करना है, इसके बाद दोस्तों प्लस आइकन पर क्लिक करके अपलोड वीडियो ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों जो भी वीडियो आप अपलोड करना चाहते हो वही वीडियो चूज़ करना है। इसके बाद दोस्तों सिंपली नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद 100 में से 99% लोग ये गलती करते हैं कि डायरेक्टली वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों आप इसी तरह गलती नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पर टाइटल लिखना है, इसके बाद दोस्तों वीडियो अपलोड करना है। दोस्तों टाइटल लिखने से क्या होता है आप ज़रा समझ लीजिए। दोस्तों देखिए, वीडियो जब यहाँ पर अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद दोस्तों वीडियो को प्रोसेसिंग होता है। तो जब प्रोसेसिंग होता है, इसलिए प्रोसेसिंग होता है कि धीरे धीरे डाउनलोड होता है, और साथ ही साथ दोस्तों YouTube ने यह समझता है कि ये जो वीडियो आप अपलोड कर रहे हो ये वीडियो किस ऑडियंस के सामने मतलब सेंड किया जाता है, रिचार्ज करता है कि किस ऑडियंस के सामने इस वीडियो को सेंड करना है, यानी कि नोटिफिकेशन भेजना है। इसलिए दोस्तों टाइटल सबसे पहले लिखना 100% मैंडेटरी है। तो दोस्तों टाइटल और डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखना है, इसके लिए दोस्तों मैं अलग से एक नोटपैड पर लिख के रखा है, और दोस्तों आपने इसी तरह काम कीजिए, अलग से एक नोटपैड प्ले स्टोर से डाउनलोड करके नोटपैड पर क्या करना है कि टाइटल डिस्क्रिप्शन जो भी लिखना है अलग से पहले से लिख के रख देना है। तो चलिए दोस्तों जो नोटपैड है ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नोटपैड आप देख सकते हैं, और नोटपैड पर यहाँ पर मेरा जो टाइटल है मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद दोस्तों सिंपली करना क्या है कि यहाँ पर आके टाइटल पर डाल देना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सिंपली पेस्ट कर लेता हूँ। दोस्तों वीडियो को गौर से देखना है। अगर आप यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कमा सकते हो, और डेफिनेटली दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसी तरह वीडियो अपलोड करने के बाद डेफिनेटली आपके वीडियो पर व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों ये जो
टाइटल आपने यहाँ पर पेस्ट किया है, ये टाइटल डिस्क्रिप्शन पर डालना है। तो चलिए मैं दोस्तों यहाँ पर फिर से कॉपी करना है। इसके बाद दोस्तों ये जो टाइटल है नीचे देखिए ऐड डिस्क्रिप्शन, इस डिस्क्रिप्शन पर पेस्ट कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पेस्ट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर करना क्या है कि वीडियो अपलोड करने से पहले यहाँ पर जो विजिबिलिटी है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों अनलिस्टेड रखना है। अनलिस्टेड दोस्तों याद रखना है, अनलिस्टेड करना है। इसके बाद दोस्तों फिर से बैक आना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑडियंस, तो ऑडियंस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए येस इट इज़ मेड फॉर किड्स, दोस्तों सेकंड जो है नो इट इज़ नॉट मेड फॉर किड्स, ये आपको हमेशा चूज़ करना है। दोस्तों इससे क्या होता है कि अगर दोस्तों येस इट इज़ मेड फॉर किड्स अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपकी जो वीडियो है, वीडियो आपने मतलब टेक रिलेटेड शायद वीडियो अपलोड करते होंगे, तो ये वीडियो बच्चों के लिए होता है, यानी कि बच्चों के सामने यूट्यूब ने नोटिफिकेशन सेंड किया जाता है। और नीचे एक ऑप्शन देखिए एज रिटेक्शन एडवांस, तो इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आपको चूज़ करना है। दोस्तों यहाँ पर आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि 18 इयर्स और 18 इयर्स ओवर, तो सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है। इसके बाद दोस्तों आना है बैक। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपलोड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों आपको जाना है YT स्टूडियो में। तो चलिए YT स्टूडियो में जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं YT स्टूडियो ओपन करना है। YT स्टूडियो ओपन करने के बाद दोस्तों नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने अभी जो वीडियो अपलोड पर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं थंबनेल वगैरह कुछ नहीं है, तो सिंपली इस वीडियो पर क्लिक करना है। दोस्तों इस वीडियो पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको पेंसिल आइकॉन पर क्लिक करना है। दोस्तों पेंसिल आइकॉन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आपके सामने डिस्प्ले होता है। यहाँ पर दोस्तों देखिए एक पेंसिल आइकन दिया गया है, इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करके जो भी थंबनेल आप रखना चाहते हो, यानी कि वही थंबनेल नीचे यहाँ पर देखिए कस्टम थंबनेल, तो इस पर क्लिक करके थंबनेल जो है अपलोड कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं यही थंबनेल अपलोड कर लेता हूँ। थंबनेल अपलोड करने के बाद डन ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर थंबनेल जो है अपलोड हो चुका है। इसके बाद करना क्या है कि दोस्तों यहाँ पर जो टाइटल जो है आपने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए टैग, तो टैग पर दोस्तों क्या करना है कि टैग पर सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर देखिए कोई भी टैग नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर जो टाइटल है, टाइटल पर आपको क्या करना है कि टाइटल की यहाँ पर जो मतलब एक डंडा होता है, यानी कि अलग अलग से मतलब टाइटल की जो वर्ड होता है, तो एक एक वर्ड दोस्तों यहीं से कॉपी करना है। दोस्तों यानी कि अलग से टाइटल जो है कॉपी करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने कॉपी कर लिया है, और दोस्तों अलग अलग करके कॉपी करना है। इसके बाद दोस्तों जो टाइटल आप कॉपी करेंगे, नीचे यहाँ पर मोर ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर दोस्तों एड टैग ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी है यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि फिर से जाना है टाइटल पर, और सेकेंड जो पार्ट है दोस्तों यहाँ पर देखिए ये भी फिर से कॉपी करना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर दो टैग मैंने बनाया है टाइटल पर, तो दोनों कॉपी करना है। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि दोस्तों नीचे मोर ऑप्शन पर क्लिक करके टैग लाइन पर ये भी पेस्ट कर देना है। दोस्तों पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको बैक आना है। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि दोस्तों जो वीडियो है अपलोड होना शुरू हो चुका है। इसके बाद दोस्तों और एक चीज़ करना है कि यहाँ पर जो दोस्तों डिस्क्रिप्शन जो है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके दोस्तों मतलब आपके वीडियो के बारे में अगर आप कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो, 100% आप कुछ ना कुछ लिखिए इस वीडियो के बारे में। इसके बाद दोस्तों जब लिखेंगे, इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि नीचे की तरह स्क्रॉल डाउन करना है। लिखने के बाद दोस्तों नीचे की तरह और भी मतलब थोड़ा नीचे आना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर लिखना है यूअर क्वेरीज, जैसे कि यूअर क्वेरीज इतना लिखना है। इसके बाद दोस्तों और भी नीचे आना है, और यहाँ पर दोस्तों देखिए नोटपैड पर मैंने मतलब पहले से रखा है, तो आप भी इसी तरह काम कीजिए। तो चलिए नोटपैड पर चलते हैं, और यहाँ पर दोस्तों जो नोटपैड है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो नोटपैड पर जो भी टैग है, यानी कि दोस्तों टैग लिस्ट जो होता है, टैग लिस्ट पर सिंपली टैग नहीं डालना है, और दोस्तों डिस्क्रिप्शन पर भी टैग डालना है, क्योंकि इसी टैग से आपकी जो वीडियो है वीडियो 100% रैंक कराएंगे। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो टैग है यहाँ पर रखा है, तो ये सारे टैग दोस्तों मैं कॉपी करता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है सारे टैग यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। और सारे टैग कॉपी करने के बाद दोस्तों देखिए फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ, पूरा टैग कॉपी करके डिस्क्रिप्शन पर पेस्ट करना है। तो यहाँ पर सारे टैग जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद कॉपी, इसके बाद दोस्तों फिर से जाना है YT स्टूडियो पर और यहाँ पर आके दोस्तों पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना है कि जो भी टैग यहाँ पर आप पेस्ट करते हो या लिखते हो, एक एक टैग पर कॉमा नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर आप कॉमा डालते हो तो आपके वीडियो पर स्ट्राइक भी आ सकता है, इसलिए दोस्तों कॉमा जो है हटाना है। इसके बाद दोस्तों और भी नीचे की तरह आना है, थोड़ा अलग करना है। इसके बाद दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 3 हैशटैग डालना है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन दोस्तों देखिए YouTube के जो रूल है 15 हैशटैग आप डाल सकते हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर करना क्या है कि 3 हैशटैग डालना है उसी टॉपिक के हिसाब से। 3 हैशटैग में से 2 हैशटैग इसी टॉपिक के हिसाब से डालना है और 1 हैशटैग आपकी जो चैनल है चैनल के नाम से लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि यहाँ पर डाल देना हैशटैग और इसके बाद और भी हैशटैग आपके टॉपिक के हिसाब से यहाँ पर फिल करना है। मैं एग्जांपल के तौर पर एक ही हैशटैग यहाँ पर डाला है। और इसके बाद आपका करना क्या है कि बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों जो डिस्क्रिप्शन है और सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों एक सवाल आता है कि टैग लिस्ट जो है, टैग लिस्ट पर मैंने टैग क्यों नहीं डाला है। तो दोस्तों ये भी प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि बिल्कुल आसानी से आप टैग डाल सकते हो और जो भी टैग आप यहाँ पर डालेंगे बिल्कुल सर्चेबल टैग होता है। तो इसके बाद आपको करना क्या है कि सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखिए सेव हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ सेकंड आपको वेट करना है, जो है सेव हो चुका है। इसके बाद दोस्तों एक एप्लीकेशन आप डाउनलोड करना है और टैग डालने के लिए, जो सर्चेबल टैग होता है, जो जिस टैग से माध्यम से आपकी जो वीडियो है रैंक में जा सकता है। इसलिए दोस्तों जिसका ये जो ऐप्स है, ऐप्स का नाम है दोस्तों VidIQ। VidIQ दोस्तों एक मतलब प्रोफेशनल ऐप्स है और यूट्यूब का सर्टिफाइड है। तो VidIQ ओपन करना है, तो यहाँ पर VidIQ जो है मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि कैसे टैग फाइंड करना है। VidIQ यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो VidIQ है, VidIQ उसी ईमेल आईडी से ओपन करना है जिस ईमेल आईडी के थ्रू आपकी जो यूट्यूब चैनल है, तो उसी ईमेल आईडी से VidIQ एप्लीकेशन ओपन करना है, यानी कि लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों देखिए ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं, नेटवर्क की वजह से शायद ओपन लेट से हो रहा है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन दोस्तों वीडियो परफेक्ट वीडियो हो रहा है। इस वीडियो देखने के बाद दोस्तों 100% मैं आपको कहता हूं कि और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि ओपन हो रहा है और नेटवर्क की वजह से शायद टाइम लग रहा है। दोस्तों यहां पर देखिए वीडियो की जो टाइटल मैंने रखा है, यहां पर देखिए अनलिस्टेड है, और करना क्या है कि उस वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। टाइटल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने 2 टैग यहाँ पर जो टाइटल से 2 टैग मैंने ऐड किया है यहाँ पर शो हो रहा है, और बाकी जो कीवर्ड है यहाँ पर देखिए रिकमेंडेड कीवर्ड, तो यहाँ पर सर्चिंग हो रहा है। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो भी कीवर्ड यहाँ पर ऐड करते हो, यानी कि प्लस प्लस यहाँ पर आइकन दिया गया है, जो भी प्लस आइकन पर जब क्लिक करेंगे तो वही ऐड उस वीडियो पर ऐड होता है। तो दोस्तों एक के मतलब टैग जो है, टैग की यहाँ पर सर्च वॉल्यूम आप देख सकते हैं, और यहाँ पर दोस्तों SEO की जो स्कोर है यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों एक वीडियो के लिए SEO स्कोर जो है ये मतलब काफ़ी हाई होना ज़रूरी है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर SEO जो स्कोर है 0 है। यहाँ पर देखिए हाउ टू अपलोड वीडियोज़ ऑन YouTube, तो अगर ये प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं तो वही ऐड होता है। तो इसी तरह दोस्तों आप ऐड करना है। दोस्तों जो भी ऐड होता है इस लिस्ट पर यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसी तरह आप सर्चेबल देख देख कर ऐड कर देना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये जो कीवर्ड है आपको सही नहीं लग रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर सर्च कीवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी जो टॉपिक है टॉपिक के हिसाब से सर्च करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए SEO की जो स्कोर है यहाँ पर 19 है, 100 में से 19 हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक कीवर्ड सर्च कर लेता हूँ, जैसे कि हाउ टू अपलोड वीडियोस ऑन यूट्यूब। मैं एग्जांपल के तौर पर एक कीवर्ड सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट आ चुका है। तो दोस्तों अगर ये यहाँ पर देखिए 4 टैग जो है
आया है। तो अगर आपको लगता है कि ये चारों आपके वीडियो पर ऐड करना है तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर ऐड आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसी तरह सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों नीचे देखिए ऐड सिलेक्टेड कीवर्ड, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिस्ट पर आप देख सकते हैं कि कितना टैग आपने ऐड किया है। तो यहाँ पर सर्चेबल जो टैग होता है यही से आप ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्कोर्स जो है यहाँ पर 19 आप देख सकते हैं। तो और भी आप मतलब यही से सर्च करके एक एक टैग जब आप सेट करेंगे तो टैग की तीन ऑप्शन होता है, सर्च वॉल्यूम एंड कंपटीशन एंड ओवररूल, तीन ऑप्शन होता है। तो तीनों ऑप्शन आपको सही होना चाहिए, यानी कि सर्चेबल हाई होना चाहिए, कंपटीशन लो होना चाहिए और ओवररूल ग्रेट या फेयर्स होना चाहिए। तो इसी तरह दोस्तों अपलोड करना है वीडियो और इसके बाद नीचे देखिए सेव योर चार्ज, तो सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर सेव हो जाता है, वीडियो हैज़ बीन चेंज्ड, यानी कि जो भी आपने मतलब ऐड किया है वीडियो पर ऐड हो चुका है। इसके बाद दोस्तों वीडियो अपलोड जब कंप्लीट होता है, इसके बाद दोस्तों YT स्टूडियो जाके सिंपली आपको करना क्या है कि सिंपली जो वीडियो जो आपने अपलोड किया है वही वीडियो पब्लिश कर देना है। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो 100% लाइक करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। दोस्तों मुझे लगता है कि जितना मतलब नया क्रिएटर्स है, सारे नया क्रिएटर्स के साथ ये वीडियो पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग YouTube पर आते हैं पैसा कमाने के लिए लेकिन सही तरीके से वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं, इसलिए वीडियो पर व्यूज़ नहीं आता है। तो दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।